आज मैं हूं इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार और एक तरफ है छापे मार रणजीत सिंह भाजपा का उम्मीदवार। मारा ना छापे तारे खूब मारे थे हम छापे, उनका राय जो काम बन गया, ले मेरा भाषण पूरा हो गया। वो तो मारे है तम उनका राय जो यही बाहोगी नी 25 तारीख है या ले एक एक वोट सारा पापड़े के नर नारी छत्ती जाति के लोग हाथ के पंजे का बटन दाब दे रही उनको तो आगे छापे तारा पैंडा जुड़ जाएगा। और थारी गेल को नहीं करी न्यू ये आदमपुर के साथी खड़े चौधरी मोहर सिंह फ्रांसिस सारा इलाके ने बुकाया नुलर बीड़ बबरान डंडूर बड़ा पंचू गामा में एक जमीन का झगड़ा मकान बने हुए हैं। बड़ा सबको मालकाना हक दुआ दूंगा। मैं हूं चेयरमैन चेयरमैन गवर्नमेंट सीज कमेटी लेंदा बटा वोट मेरा तो नुकसान कर गया लेकिन भाई ने सटी का बेरा पट गया आदमपुर वाले बड़न नहीं देंदे उसमें साढ़े तीन हजार पोल खड़े कर दिए। मैं बोला बगला में मैं यार तुम आदमी मेरे थे बोला भाई साहब मच्छर खावे डानिया में कनेक्शन दे देगा। मैं यू नहीं दिंदा कति कनेक्शन यू करा कनेक्शन कटवाया कह रहे क्या देगा भाई यू लोग बुकाए लाके 2 महीने के बाद पर्चा दर्ज करा दिया बोला 3500 बिजली के पोल चोरी हो गए। पहले तो लोगों ने खड़े करे फिर वो मशीन लागल पड़ पड़ के सड़क पर गिरे। मैं मान जू रणजीत नोड़े भेज दो भाई ये बुकांदे आंडे से छापे मारे। जयप्रकाश का चुनाव लड़ रही है जनता और उनका चुनाव लड़ रहा है पूंजीपति। मैं तो 3 बात आपको कहूंगा क्योंकि टाइम रह गए 22 घंटे गांव रह गए 35 करने पूरे हैं। पापड़ा गांव की पवित्र धरती है चौंतरा मैं अपना माथा टेकने आया हूं मेरी हाजिरी लगाने आया हूं। 5 बात कहूंगा उन पौन दियो तो पूछ लिए बेटे बतेरा रह रहे वैसे तुमका बच नहीं रहे कि मैं या सरकार इतने से इतने 25 तारीख ने पर्ची नहीं पड़ दी 26 तारीख के बाद या न्यूट पाटेगी जो बालू रेत में को पानी दिखा अगर अन्य मेरा बिल कड़े को आया। हाँ मेरे कहना है ये बात सही है पापड़ा गांव के लोग भाई एक बात से केंद्र में हमारी पार्टी ने फैसला किया इंडिया गठबंधन ने जैसे हमारी सरकार आएगी सबसे पहले हम अग्निवीर योजना बंद करेंगे और पूरी फोर्स शुरू करेंगे। घर में एक महिला को लक्ष्मी न्याय योजना के तहत 1 लाख रुपया केंद्र सरकार देगी। जैसे ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे 6000 रुपये हर बूढ़ा बूढ़ी को उसी दिन चालू हो जाएंगे जयवीर जिस दिन मुख्यमंत्री हुड्डा बनेंगे उसी दिन। इनका बच्चा की डाल नहीं बीजेपी वाले की डाल 300 रुपये बढ़ाएंगे अगले 31 मार्च ने 100 रुपये बढ़ाएंगे अगले अप्रैल ने। अरे सौदा करोगे इन गल ये XMLA MP मेरे जी तो देश बिना की तनख्वाह ले में इन माले बुटने का 6000 रुपये जूत बाजे सरपंच का ठीक जुगाड़ बन जाए सारे का और उसी दिन से 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे उसी दिन से 500 रुपये सरेंडर कर देंगे। अब रह की बात भाई SC BC की SC BC भूमि इनको 100-100 गज के प्लाट में 3-3 कमरे का मकान बना करके देंगे वो प्लान है और धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये फैमिली ID प्रॉपर्टी ID ये पोर्टल जो सारे दिन बूढ़े बेचारे थैले ठावा हाथ में पोर्टल बनवा के लिया पागल बना दिए बीजेपी वाले ने तो हम पागल बना दो ना लाठी मारनी ना गोली मारनी जमा सस्ता सौदा बता दूंगा। अब रह गया भाई एक चीज जो किसान शहीद हुए एक काम बताऊ मैं पापड़ रणजीत सिंह जी गलती से गांव में आ जाए या बीजेपी का कोई भाई आ जाए उसकी थैली खुलवा लियो इस हाथ पर 730 किसानों के खून के धब्बे हैं ये किसानों के हत्यारे हैं। अरे न्यू कौन से बोला मैं तो कौन नहीं था क्यों नहीं था तो छोड़ के बाहर क्यों नहीं आया जो भाजपा में आज नेता है वो किसानों का हत्यारा है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन ने फैसला किया जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम MSP लागू करेंगे और ये MSP सिंपल नहीं स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है C2+50% मुनाफा वो हम आपको देंगे और जो उसका उल्लंघन करेगा
उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कई दिन पहले तो मोदी बेटा ने बोलिया और मंगल सूत्र बेच देंगे तारे, एक एक दिन बोले तारे डांगर बेच देंगे। भाई पकान दे अंडे ने कह दो लड़ाई लड़ दो भेड़ ना बढ़ाओ है जू टाइम था जू तो ये आम से चूस दे रहे दिल्ली चंडीगढ़ बैठ के। अब लोगों में आक्रोश आया तो अब ये परेशान है। मैं तो अंत में एक ही बात कहूंगा मेरे दलित और पिछड़ा वर्ग के भाइयों को, अब ये कहेंगे भाई तारा सरकारी राशन बंद हो जाएगा। इस राशन को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने चालू किया था, इसलिए खड़गे साहब ने कह दिया कि हमारी सरकार बनेगी ये तो दे 5 किलो बाजरी डांगर खाए दे उसके भी 10 लाख मर रहे बेटे मरसान मरवाओगे था इतनी गर्मी में बाजरा खाए इसके बैगो हम देंगे 10 किलो गेहूं 10 किलो गेहूं। यही बात कहने आए मेरी हाजिरी स्वीकार कर लो। आज एक बात मेरा याद आएगी, आज मुझे इस गांव के वो लोग दिखाई दे रहे 1989 से लेकर के आज तक बख्ता है मेरा बख्तन बेबख्तन हो सकता है मुझसे किसी भाई की नाराजगी होगी हो, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है आज वो लोग भी मुझे आशीर्वाद देने आए हैं मुझे सहयोग देने आए हैं। मैं बड़ी सभा में पापड़े गांव के नर और नारियों को कह करके जा रहा हूं कि मेरे सिर के ऊपर पंचग्रामी की पगड़ी बंधी है, जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा पंचग्रामी की इस पगड़ी को अपमानित नहीं होने दूंगा। और भाई जो थारे मन में से भाई मेरे मन में क्या काम फिट कर देंगे, दुखी मैं भी हो रहा सुन दुखी तुम भी हो रहे। यही बात कहने आया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।